हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज आप देख सकते हैं एक LG 20 इंच का टीवी है, जो कि इसमें यूनिवर्सल बोर्ड लगा हुआ है, किसी ने इसमें फिट किया था। अभी ये हमारे पास पैनल फॉल्ट में आया है। इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं, जो पहले था, अब हमारे पास पैनल फॉल्ट में आया है। चलिए हम इसको ऑन करके दिखाते हैं इसकी स्क्रीन की प्रॉब्लम क्या है। यहाँ देखिए, हाई ब्राइटनेस है और पिक्चर जो है रुकता भी है बीच बीच में। स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखिएगा, ये बीच बीच में पिक्चर रुकता भी है और कुछ वर्टिकल बार आता है और फिर ठीक होता है और फिर रुकता है। और इसकी जो पिक्चर की क्वालिटी है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्ट नहीं है। ये देखिए, बार बनने लगा है। तो इस फॉल्ट को हम आज रिपेयर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे ये पैनल बनने लायक है भी या नहीं। क्योंकि LED पैनल, मैं लगभग वीडियो में कहता हूँ, जब तक बन के तैयार नहीं होगा तब तक ये बता पाना मुश्किल होता है कि आपका पैनल रिपेयर हो पाएगा या नहीं। दोस्तों, अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि इसी तरह के नॉलेजफुल कॉन्टेंट हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। देखिए, हमने TV को ओपन कर लिया है, इसमें कचरा भी बहुत है, इसको हम तो सबसे पहले क्लीन करेंगे। यहाँ देखिए, हम क्लीन कर चुके हैं। इसके अंदर बैकलाइट सेक्शन था अलग से स्केलर PCB में ही, हालांकि ये अभी यूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें अलग से इन्वर्टर लगाया है, क्योंकि यूनिवर्सल बोर्ड जब लगाए थे वो तो अलग से इन्वर्टर लगाया। इसमें देखिए, यहाँ पर टिकॉन प्रोसेसर है, ये प्रोम है, यहाँ लेवल शिफ्टर दिया हुआ है और DC-to-DC IC है। गामा की भी इसमें अलग से IC दी हुई है। तो इस पैनल का जो फॉल्ट है, आपने देखा किस तरह की सिम्टम्स इसमें हैं। यहाँ फिर से देखिए, ये रुकता है और फिर चलता है और फिर रुकता है, फिर चलता है, कभी कभी बार बनने लगता है। इस तरह का फॉल्ट रिपेयर करने का कई प्रोसेस है। इस तरह का फॉल्ट ज़्यादातर LC1 LC2 की प्रॉब्लम के वजह से आता है, जो कि पैनल के अंदर शॉर्टिंग होने की वजह से इसमें दिक्कत आता है। तो हम LC1 और LC2 को हम मॉडिफिकेशन करते हैं और फिर इसको सेट ओके करने की कोशिश करते हैं। देखेंगे इस सेट में क्या कर सकते हैं हम। सबसे पहले इसके LC1 और LC2 को ढूंढेंगे, क्योंकि ये फ्यूजिंग प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं, मैंने कुछ पॉइंट को घिसकर यहाँ पर वोल्टेज चेक करने की कोशिश किया है। यहाँ एक ही टेस्ट पॉइंट दिया है, VGH odd लिखा हुआ है, बाकी एक दूसरा टेस्ट पॉइंट है, लेकिन VGH even की जो टेस्ट पॉइंट है वो इसमें नहीं है। ट्रैक जरूर है। यहाँ पर दो टेस्ट पॉइंट दिख रहा होगा आपको, इसमें एक VGH odd है और एक दूसरा कुछ है। और जो VGS even की जो टेस्ट पॉइंट है वो इसमें नहीं दिया है, लेकिन ट्रैक जरूर है, उसमें वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं। इसमें VGS odd जो लिखा है, इसकी वोल्टेज कंडीशन देखिए, 25 वोल्ट हो रहा है और फिर -5 वोल्ट हो रहा है, मतलब 27 वोल्ट। एक बार VGL हो रहा है, एक बार VGH हो रहा है। ये लेवल शिफ्टर IC की ये जो odd और even की वोल्टेज है, इसका काम ही यही है। जब ऑड पे VGL जाएगा तो इवन पे उसी वक्त VGH जाएगा, तो ये चेंज होता रहता है, जिस वजह से स्क्रीन में पिक्चर बनता है। पैनल के अंदर शॉर्टिंग की वजह से इसका टाइमिंग आउट हो जाता है और फिर दिक्कत होने लगता है। ये जो सप्लाई है, पैनल के दोनों साइड गया है, ऑड और इवन, दो दो ट्रैक दोनों साइड में। पैनल के जो साइड कॉप है, जो एकदम लास्ट वाली कॉप होते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड की, इस साइड से होता हुआ ग्लास के अंदर जाता है। यहाँ हम मेजर करने की कोशिश करते हैं कि ये ट्रैक यहाँ कहाँ पहुँचा है। वहाँ पर देखे थे हम VGH odd लिखा था, यहाँ पर लिखा है VGH E। ये एक अलग फंडा है, अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें लिखी होती है, आपको समझना होता है कि ये एक्चुअल में है क्या चीज़। यहाँ देखिए, वही VGH और VGL हो रहा है, मतलब यही ऑड और इवन की ट्रैक है। इस तरह के फॉल्ट को हम ज़्यादातर ठीक करते हैं लेवल शिफ्टर IC से, जो आउटपुट हुआ है ऑड और इवन की ट्रैक, इसको हम कट करते हैं।
कट करने पर अगर ठीक होता है तो ठीक, नहीं तो फिर हम इसी ट्रैक में VGL और VGS से बाईपास करते हैं। ये ट्रैक देखिए यहाँ से निकला है, IC के जो ये कोना है, कोने के इस साइड से एक ट्रैक निकला है और दूसरे साइड के इस साइड से एक ट्रैक निकला है। दोनों आसपास होते हैं तो ये आसपास से निकला है, लेकिन एक ही ट्रैक में जो है लिखा हुआ है, टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन एक ट्रैक में टेस्ट पॉइंट नहीं दिया है, वो आपको ढूंढ लेना होगा। कुछ पैनल में लिखा होता है, कुछ पैनल में लिखा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ही टेस्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है, तो हम ढूंढेंगे दूसरा कहाँ है। तो यहाँ देखिए, ये इस साइड की ये वाली लेग और इस साइड की ये वाली लेग, ये ऑड और इवन की ट्रैक है, हम ये इसको यहाँ से कट करेंगे। ये ट्रैक सीधे आपने देखा VGS ऑड यहाँ पर आया है और इसके नीचे एक ट्रैक है ये वाली, जो टेस्ट पॉइंट नहीं है लेकिन ये इवन की ट्रैक है, इसको हम यहाँ से कट करेंगे। कट करने के बाद पिक्चर सही नहीं हुआ तो यहाँ पर हम बाईपास भी करेंगे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए हमने दो ट्रैक को कट कर दिया है, VGH ऑड और इवन को हमने कट कर दिया है। अब जो है इसके पैनल के अंदर VGL तो जा रहा है डायरेक्टली, लेकिन ये ऑड और इवन की ट्रैक में कोई वोल्टेज नहीं जा रहा है क्योंकि हमने IC से कट कर दिया। यहाँ देखिए नीचे वाला एक पॉइंट है जो डॉट है, यहाँ से ट्रैक अंदर गया है, तो हमने यहाँ से कट किया। दो ट्रैक आपने देखा कौन कौन सा ट्रैक है इसमें। यहाँ से कट करने के बाद अब हम थोड़ा देखते हैं कि स्क्रीन की क्वालिटी क्या है, पिक्चर चला गया या फिर अभी भी है, क्या है वो पहले देख लेते हैं। हमने अभी तक कुछ नहीं किया, सिर्फ ट्रैक को कट किया है। चलिए उठा के देखते हैं, ये देखिए अभी किस तरह का सिम्टम्स है, क्योंकि हमने इसमें ऑड और इवन की ट्रैक जो है ये कट कर दिया IC से ही, पैनल के अंदर ये सप्लाई नहीं जा पा रहा है, जिस वजह से अभी ये पिक्चर ही चला गया। कुछ कुछ केस में इसको कट कर देने से ही पिक्चर ओके हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं हुआ। अब देखिए हमने क्या किया, जो ऑड और इवन की जो दो ट्रैक है इस पर हमने दो जंपर जोड़ लिए हैं, इसको जो है हम बारी बारी से एक को VGS पे जोड़ेंगे और एक को VGL में। यहाँ देखिए VGH का ट्रैक टेस्ट पॉइंट है और यहाँ पर VGL का, तो दोनों हम दो जगह पे जोड़ देंगे। इसको जोड़ने के बाद यदि पिक्चर सही हुआ तो ठीक है, यदि नहीं हुआ तो इसको हम फिर आपस में एक्सचेंज करेंगे। आप देख सकते हैं दो वायर हमने यहाँ जोड़ लिए हैं। ये वायर जोड़ते समय ध्यान रखिएगा कि आपका IC से जो ट्रैक काटे हैं आप, ये प्रॉपर कटे, क्योंकि ये सप्लाई IC में रिटर्न जाएगा तो आपका जो लेवल शिफ्टर IC है डैमेज हो सकता है। आप देखा, यहाँ देखिए हमने बाईपास कर दिया है VGL और VGH से। अब देखते हैं कि पिक्चर इसमें बना है या नहीं। यहाँ हमने देखा तो पिक्चर नहीं बना। उसके बाद हमने इस साइड की जो गेट लाइन की रेजिस्टेंस है इसको हमने ओपन करके देखा, फिर हमने इस साइड का भी रेजिस्टेंस ओपन करके देखा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो लेकिन एक फर्क पड़ा बाईपास करने से, यहाँ देखिए ये जो रुकता था, फ्रीजिंग हो रहा था, ये फॉल्ट इसमें दूर हो गया, अब ये रुक नहीं रहा है। लेकिन ये जो बार बन रहा है इसके लिए हमने दोनों साइड की जो गेट लाइन की जो रेजिस्टेंस से होता हुआ गया है, हमने बारी बारी से एक साइड का ओपन करके देखे हैं। ऐसा हो रहा है कि किसी भी साइड से हम इसका जो रेजिस्टेंस है ओपन करते तो पिक्चर बंद हो जाता है। नॉर्मली ऐसा होना नहीं चाहिए, किसी एक साइड से सिग्नल जाने से पिक्चर बनता है, लेकिन इस पैनल में नहीं हो रहा है। अब हम इसको सही करें तो कैसे करें, बारी बारी से अलग अलग चीज़ हमें इसमें कर देखना होगा, क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि अलग अलग पैनल की अलग अलग फॉल्ट है, एक ही फॉल्ट का कई सॉल्यूशन है। हमने अभी सेम कंडीशन में ला दिया है, IC से जो ट्रैक काटे थे उसको हमने फिर से जोड़ दिया, यहाँ के रेजिस्टेंस चेक करते समय घूम हो गया तो हमने फिर जंपर कर दिया यहाँ पे शोल्डर के जरिए, और यहाँ ऑड और इवन की ट्रैक हमने राइट साइड से जाने के लिए रोक दिया। यहाँ से यहाँ देखिए राइट साइड से जो ट्रैक ऑड और इवन की जा रहा था अंदर, हमने यहाँ से काट के देखा, यहाँ भी बाईपास करके देखा, फिर भी पिक्चर सही नहीं हुआ। उसके बाद इस साइड में देखिए मैं किस तरीके से इस पैनल में काम किया, आप सोच सकते कितना वक्त मुझे लगा होगा इस पैनल को रिपेयर करने में। फिर हमने लेफ्ट साइड से ऑड और इवन की ट्रैक को कट किया,
यहाँ देखिए, लेफ़्ट साइड से ऑड और इवन की ट्रैक को जब हमने कट किया उसके बाद इसमें पिक्चर बन पाया है, तो फिर भी दिक्कत है। यहाँ से हमने ऑड और इवन के जो ट्रैक काटे थे उसको जोड़ दिया, ऑड और इवन की ट्रैक जो है राइट साइड से अंदर जा रहा है, लेकिन लेफ़्ट साइड से हमने काट दिया, लेफ़्ट साइड से अब नहीं जा रहा है, सिर्फ़ एक साइड से ऑड और इवन की ट्रैक जो है अंदर जा रहा है। अब देखते हैं पिक्चर की क्वालिटी। देखिए पिक्चर इसमें सही हो चुका है, लेकिन नीचे से देखिए एक लहर आ रहा है, थोड़ी देर बाद एक बार बनता है और फिर चला जाता है। नीचे साइड में देखिए, ऊपर साइड का पिक्चर ओके है, लेकिन नीचे साइड में थोड़ा बार आ रहा है और फिर चला जा रहा है, सही हो रहा है। लेकिन पिक्चर की जो क्वालिटी है ऊपर बिल्कुल ओके हो चुका है। आपको इसमें दो लाइनिंग दिख रहा होगा वर्टिकल, ये कॉफ का इशू है, ये लाइनिंग सही नहीं हुआ, लेकिन पिक्चर हम सही करने की कोशिश करके देखते हैं। हमें अलग अलग तरीका इसमें अपनाना होगा, अलग अलग ढंग से हमें काम करना होगा, अलग अलग ट्रैक काट के देखना होगा, अलग अलग सप्लाई देकर देखना होगा। काफ़ी वक्त लगता है दोस्तों, इतना चीज़ मैं वीडियो के माध्यम से नहीं बता पा रहा था। यहाँ देखिए इस साइड का रेजिस्टेंस भी हमने ओपन करके चेक करने गया तो ये भी एक दो रेजिस्टेंस गुम हो गया, तो हमने इसको भी जम्पर कर दिया था। यहाँ से देखिए ऑर्डर इवन की ट्रैक जो है कटा हुआ है, और ये जम्पर है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, इससे चल जाएगा, वो जीरो ओम्स में होते हैं रेजिस्टेंस। ये ट्रैक आप देख सकते हैं यहाँ से कटा हुआ है, और राइट साइड से बस इसमें ऑर्डर इवन अंदर जा रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ से भी हमने कट कर दिया है, और VGH VGL हमने ऑड और इवन को दे दिया है। हमने ICQ से इसका लेवल शिफ्टर से जो ट्रैक निकल रहा था हमने जोड़ा था, बाद में उसको फिर डिस्कनेक्ट किया। अब क्या किया हमने, राइट साइड की जो ऑड और इवन की ट्रैक थी उसमें से ऑड और इवन को कट करके हमने उसमें फिर बाईपास किया, VGL और VGH दिया। हम यहाँ पर नहीं जोड़ पा रहे थे क्योंकि यहाँ का ट्रैक बहुत छोटी है, तो हमने IC के नज़दीक वहाँ जोड़ दिया। यह देखिए फिर से हमने यहाँ जोड़ दिया, और यहाँ का ट्रैक भी हमने काटे थे जोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर हमने VGH और VGL से बाईपास कर दिया ऑड और इवन में। अब क्या हो रहा है इसमें, राइट साइड में जो ऑड और इवन की ट्रैक थी उसमें VGH और VGL हमने दे दिया, और लेफ्ट साइड से हमने ऑड और इवन की ट्रैक को काट दिया, इसमें से कोई सिग्नल नहीं जा रहा है, तब जाकर ये पिक्चर जो है सही हो पाया है। आपने देखा मैंने किस तरीके से घुमा घुमा के अलग अलग चीज़ इसमें कर देखा, उसके बाद ये सेट ओके हो पाया है। आप कॉल करेंगे तो हम आपको बताएंगे ऐसा कीजिए, आपसे नहीं हो पाता है, आप कहते हैं सर ये तो नहीं हो रहा है, तो आपने देखा कि किस तरह का सिम्टम्स प्रॉब्लम इसमें आता है और किस तरीके से हम इसको रिपेयर करते हैं, अलग अलग चीज़ें करके देखते हैं। दोस्तों ये काम दो चार मिनट का नहीं है, ये टीवी बनाने में मुझे काफ़ी वक्त लगा है, 2-3 घंटा भी इसमें कम पड़ा, मुझे 2 दिन इस टीवी में टाइम देना पड़ा, तब जाकर ये टीवी ओके हो पाया। आप समझ लिए, राइट साइड से सिर्फ VGL VGS और VGL जा रहा है ऑर्डर इवन की ट्रैक में, लेफ्ट साइड से कट कर दिया, लेवल शिफ्टर IC का जो ऑर्डर इवन की ट्रैक थी उसको हमने कट कर दिया, राइट साइड में सिर्फ VGL VGS जा रहा है, लेफ्ट साइड में ऑर्डर इवन की ट्रैक को हमने कट कर दिया, ऐसा करके इस सेट को हमने ओके कर पाया। अब चलिए पिक्चर देखते हैं इसकी। देखिए अब इसमें पिक्चर बिल्कुल ओके है, लेकिन थोड़ी सी समस्या इसमें बचा है अभी भी, ये समस्या सही नहीं हो सकता क्योंकि ग्लास पे इसी एरिया में शॉर्टिंग है। आप देख सकते हैं एकदम नीचे कुछ लाइनिंग आपको दिख रहा होगा बारीक बारीक, ग्लास के कोने में इसी जगह में शॉर्टिंग है, जिस वजह से इस पैनल में नीचे यहाँ दिक्कत दिख रहा है। सो इतना फॉल्ट इसमें रिपेयर नहीं हो पाएगा, लेकिन ये सेट अभी चल जाएगा और ये चलेगा कंटिन्यू। ये लाइनिंग जो है कॉफ का इशू है, दोनों कॉफ में एक एक लाइनिंग है। सो अब ये इस तरीके से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा। दोस्तों मेरा जो सपोर्ट ग्रुप था उसका रेट जो है 3,000 रुपये था, अभी मैंने मार्च महीने में 999 रुपये किया था और 31 मार्च तक का डेट दिया था।
यदि आप मेरे ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। सिर्फ 999 रुपये है ग्रुप का जो ज्वाइनिंग जो फीस है, और एक साल तक आप ग्रुप का मदद ले सकते हैं। आपके पास कोई भी इस तरह का फॉल्ट हो आप अपने ग्रुप में डालें और उसका सॉल्यूशन आप वहाँ ले सकते हैं। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है मुझे आपको अच्छा लगा होगा, आप समझ पाए होंगे और ये भी समझ पाएंगे कि ये टीवी रिपेयर करने में हमें कितना वक्त लगा होगा। सो अब हम इस टीवी को पैक करेंगे और कस्टमर को डिलीवर करेंगे। फाइनली एक बार हम इसको चला कर देखते हैं। टीवी हमारा पैक हो चुका है, इसका बैक कवर वगैरह हमने सब फिट कर दिया है, तो चलिए पिक्चर देखते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि इसी तरह का नॉलेजफुल कंटेंट हम अपने चैनल पर हमेशा लाते रहते हैं। मेरे चैनल पर आपको ज़्यादातर पैनल का ही वीडियो मिलेगा, क्योंकि पैनल ही एक ऐसा पार्ट है LED TV की जिसमें लोग काफ़ी परेशान होते हैं, काफ़ी दिक्कत का सामना उन्हें करना पड़ता है। सो आप ग्रुप में जुड़ना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, इसी वीडियो में शुरू में नंबर दिया हुआ है। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।